जैसा कि पता है कि आज की क्लास का टॉपिक है कि हम एक पेपर कटिंग से 10 ब्लाउज की डिज़ाइन कटिंग करना सीखेंगे, तो आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे ये सोच सोच कि क्या सिखाने वाले हैं, क्योंकि इस ऐसा टॉपिक का नाम था कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा आपको। ऐसा भी लग रहा था कि लाइव क्लास अटेंड करके हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, तो ये सब चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आज जो जैसा टॉपिक का नाम था हमने, वैसे ही मैं इसके अंदर लाइव स्ट्रीम के अंदर सिखाने वाली हूँ। टॉपिक का नाम है कि एक पेपर कटिंग से सीखे ब्लाउज़ की 10 डिज़ाइन कटिंग करनी। सो जैसे कि आप सबको यही डाउट होता है ब्लाउज़ बनाते वक्त कि हमें परफेक्ट फिटिंग का भी ब्लाउज़ चाहिए, प्लस हमारा टाइम भी कम लगना चाहिए कटिंग में, और मेरे मेथड में आज तक आपको ऑनलाइन क्लास में ऐसा लगता होगा कि टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि मैं ऐसा बोलती हूँ कि उसमें टाइम नहीं लगता, आपको बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो वही आज आप सबको लाइव डेमो देखने मिलेगा कि कैसे हमारे पेपर कटिंग से टाइम नहीं लगता है ब्लाउज़ की कटिंग करने, क्योंकि अगर आप अच्छी कटिंग का ब्लाउज़ बना के दो, अच्छी फिटिंग का ब्लाउज़ किसी को बना के दोगे, तो ऑफकोर्स वो जो कस्टमर है, सेम कस्टमर आपको 10 या 12 ब्लाउज़ ज़रूर देकर जाएगा महीने का या ईयर का। तो मान लो आपके 100 भी कस्टमर है, तो आपके 1200 ब्लाउज़ साल के फिक्स हो गए एक जन से, और 1200 ब्लाउज़ का आप मान लो 1000 या 500 स्टिचिंग चार्ज लेते हो, तो उस अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी घर बैठे। लेकिन ये करने के लिए हमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए। मान लो हम टेलर रखेंगे तो सारे इन्वेस्टमेंट उनको देना पड़ेगा, तो आप अगर खुद स्टिचिंग करते हो घर पे, तो कम टाइम में कैसे हम बहुत सारे ब्लाउज़ की एक साथ कटिंग करते जाए, जबकि ब्लाउज़ की सारी डिज़ाइन जो अलग अलग रहे, कोई हो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, कोई हो प्रिंसेस कट, कोई हो सब्यासाची, ऐसे ऐसे टाइप के अलग अलग टाइप के ब्लाउज़ कटिंग एक ही ब्लाउज़ कटिंग से करना हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको फिटिंग बता देती हूँ, क्योंकि आप सबको ये डाउट होगा कि इस तरह से कटिंग करने पे अच्छी फिटिंग आएगी या नहीं। सो सबसे पहले हम बेसिक बोटनेक ब्लाउज पे जाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि इस तरह की फिटिंग आई है इसके अंदर, वो भी ये मेरा वर्क नहीं है, हमारे स्टूडेंट का वर्क है, जो भी मैं दिखा रही हूँ आधे से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट का वर्क है। देख सकते हो प्रिंसेस कट विथ साइड डार्ट एंड बोटनेक है, कहीं पे भी कोई भी रिंकल नहीं आ रही। इसका बैक पार्ट भी देख लेते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लाइव स्ट्रीम देखने में मज़ा आए, सीखने में मज़ा आए कि हाँ ये तो अच्छी फिटिंग का बनने वाला है। इसका बैक कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखो अभी तक हुक बटन भी नहीं लगाई, इसमें पिन लगाई हुई, फिर भी इसमें पीछे जो है परफेक्ट फिटिंग दिख रही है आपको। पफ स्लीव, यहाँ पे कोई भी रिंकल नहीं है, और यहाँ से देखो एकदम फिट है ये नेक, लूजनेस भी नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में सीखेंगे एक ही क्लास में। अब देखो ये सब्यासाची कट, सारे जो डिज़ाइन है वो एक ही पेपर कटिंग से बनी हुई है। तो ये सब्यासाची कट है, देखो इसमें 42 साइज़ का ब्लाउज है, तो भी देखो आप कितनी अच्छी फिटिंग आई है, कहीं पे भी कोई भी रिंकल नहीं। ये सब्यासाची ब्लाउज का बैक है 42 साइज़ का, मतलब आप कोई भी साइज़ में यही मेथड यूज़ कर सकते हो। ये देखो ये आप सबका फेवरेट ब्लाउज कोरसेट कटिंग, कितनी अच्छी फिटिंग आई है स्लीवलेस ब्लाउज में। आप सबको ये भी डाउट रहता है स्लीव वाले ब्लाउज में क्या करें, स्लीवलेस ब्लाउज में क्या करें, तो वो सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ये वाला देखो हाई नेक ब्लाउज है, पैक नेक वाला, कॉलर कितनी अच्छी बनी है, ये देखो कॉलर और ये प्रिंसेस कट की फिटिंग, और ये बैक पार्ट रिंग के साथ और आधा ट्रांसपेरेंट, ये भी रिंग के साथ, वो 38+ साइज था 40 जितना, और ये है 34 साइज, यानी चाहे साइज हो 38, 40 या 32 फिटिंग सेम है, वो भी स्टूडेंट का वर्क है हमारा नहीं। ऑफलाइन स्टूडेंट के वर्क है ज्यादातर। ये उसका फ्रंट है, प्रिंसेस कट है, इसकी कॉलर भी कितनी अच्छी लग रही है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना कि ये सब क्या दिखा रहे हैं, हम तो इधर कटिंग सीखने आए थे। ये कोरसेट का साइड पार्ट है, ये मेरा बनाया हुआ शोल्डर टू वेस्ट डार्ट जो आपने इंस्टाग्राम पे देख लिया होगा। ये बैक पार्ट है और इसका फ्रंट पार्ट बहुत ही सुंदर है मेरा, 36 साइज। तो आज हम यही एक ही क्लास में 2 घंटे के अंदर 10 ब्लाउज की कटिंग करेंगे,
उससे आपको आइडिया आएगा कि किस तरह आप भी कस्टमर की कटिंग कर सकते हो। ये देखो, ये डीप नेक है, फुल डीप नेक, वन हुक यानी वन डोरी वाला ब्लाउज, बिना डोरी के रख, नीचे सिर्फ डोरी है, ऊपर कोई भी डोरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिंकल नहीं है कि ब्लाउज ऐसे हो गया तो यहाँ रिंकल जमा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये ब्लाउज भी देख लिया, नेक्स्ट इसका फ्रंट है, इसमें भी देखो कोई भी रिंकल नहीं आ रहा। ये सारे ब्लाउज आप सबको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताओ, ताकि मुझे आगे पेपर वो फैब्रिक कटिंग करके आपको दिखाने में मोटिवेशन मिले। नहीं तो मैं क्या सोचूंगी, 4-5 ब्लाउज बनने के बाद किसी के कमेंट नहीं आ रहे, तो अभी चलो क्लास एंड कर देते हैं। तो सारे टाइप के ब्लाउज की मैंने आपको दिखाए यहाँ पे डेमो, कि इस तरह की आपको फिटिंग मिल सकती है अगर आप हमारे मेथड से कटिंग करो। अगर आप बहुत सारे मेथड यूज़ करके परेशान हो गए, तो ये लास्ट ट्राई आपको ज़रूर करना चाहिए सीखने का। तो चलो अभी हम कटिंग पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर कटिंग्स रेडी रखी है, क्योंकि एक पेपर कटिंग से हम ब्लाउज डिज़ाइन बनाएंगे। देखो आप लोग के सामने मैं यहाँ सारे फैब्रिक रख रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सबकी ब्लाउज पैटर्न भी आपको यहाँ दिख रही है। पैक नेक सेकेंड बनाना है, हाई नेक थर्ड बनाना है, डीप नेक फोर्थ बनाना है, डीप नेक विथ बैक पैक नेक, फोर्थ फ्रंट वी नेक बैक पैक नेक, फिफ्थ फ्रंट वी नेक बैक पैक नेक, सिक्स्थ ब्लाउज वी नेक शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बैक नेक पैक, लास्ट ब्लाउज नेक टू वेस्ट डार्ट विथ बैक पैक नेक। ये भी हमारा नेक नेक टू वेस्ट डार्ट है, बट ये स्क्वायर शेप का रहेगा और ये पंचकोण रहेगा, और ये ट्रांसपेरेंट वी नेक विथ पैक। तो ये सारे ब्लाउज की हम एक एक करके कटिंग करना सीखने वाले हैं। तो मैंने इस तरह से यहाँ फैब्रिक रखा है कि हम बेसिक से एडवांस तक जाए। पहले हम पैक नेक सीखेंगे, फिर हाई नेक सीखेंगे, फिर डीप नेक। थोड़ी वॉइस कम कर दो नहीं तो गूंजेगी। फिर डीप नेक, फिर वी नेक, वी नेक नेक शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, नेक टू वेस्ट डार्ट विथ पंचकोण स्वीट हार्ट, नेक टू वेस्ट डार्ट विथ स्क्वायर एंड बैक ट्रांसपेरेंट। तो एक एक करके हम ये सारी कटिंग सीखने वाले हैं। तो पेपर कटिंग में मेरी एकदम रेडी है। अब आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसा भी पूछते हो कि मुझे ये सब याद कैसे रहता है, कि क्या करना है। तो याद नहीं करना है आप लोग को, आप लोग को समझना है। याद करने की कोशिश करोगे तो कई सालों तक आप लोग याद करते ही रह जाओगे, लेकिन याद नहीं होगा। समझने की कोशिश करोगे तो शायद एक दिन में ही आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करनी है, याद नहीं करना कि यहाँ से आधा इंच लिया तो मैं याद कर लेती हूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। तो पहले फर्स्ट ब्लाउज में हमारा जो है पैक नेक रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो, और बैक हुक रखेंगे विथ पोटली बटन। पेपर पैटर्न मेरी बिल्कुल रेडी है, फ्रंट और बैक। यही पेपर पैटर्न को, फोर डार्ट पेपर पैटर्न को हम सारे ब्लाउज में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो बैक बैक हुक कर रहे हैं, यहाँ पे मैं सबके 4 लेयर फैब्रिक ले रही हूँ, यानी डबल लाइनिंग डालेंगे। सारे पैडेड हैं, कुछ पैडेड नहीं है, तो चाहे पैडेड ब्लाउज़ हो चाहे विदाउट पैडेड, हमारी कटिंग सेम रहेगी। पैडेड ब्लाउज में हम कप्स डाल देंगे और थोड़ी लूजिंग ऐड कर देंगे साइड फिटिंग के टाइम, जबकि हम बिना पैडेड वाले में एकदम परफेक्ट फिटिंग पे साइड सिलाई कर देंगे। बस इतना ही डिफरेंस है, कुछ भी कटिंग में हमने डिफरेंस नहीं किया है। तो यहाँ हमें पैक नेक बनाना है सबसे पहले, तो बैक पार्ट को मैं यहाँ रख दूँगी। बैक पार्ट में हमें हल्का सा राउंड शेप देना है, तो यहाँ मैं इस तरह रखूँगी इसको और ट्रेस कर लूँगी। तो हम पहले तो मार्जिन रख लेंगे, और आप देखो ये जो हैवी साइज़ का बना रहे हैं हम, 38 साइज के सारे। तो फ्रंट जो है, फ्रंट का शोल्डर 1/2 इंच कम है बैक के शोल्डर से, फ्रंट का शोल्डर बैक के शोल्डर से 1/2 इंच कम रखा है। ऐसे आप देखोगे तो सेम लगेगा, जबकि हम ऐसे रखेंगे तो फ्रंट का शोल्डर बैक से 1/2 इंच कम लग रहा है, ये देखो, ठीक है। फ्रंट का शोल्डर बैक से 1/2 इंच कम है, क्योंकि सब हैवी साइज में बैक हैवी होता है।
इसीलिए। और यहाँ मैं बैक पार्ट रखूंगी। अभी सबसे पहले तो मार्जिन देना है, यहाँ पे सारे एकदम लेवल में हैं। फर्स्ट ब्लाउज की कटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। वहां से दो चार आलपिन दे दो। मार्जिन ले लेंगे हाफ हाफ इंच। बैक में हुक रखना है तो बैक में हाफ इंच मार्जिन लेना है। इसके साथ कनेक्ट कर दो। मार्जिन जितना ले रहे हो स्टिचिंग उतने पे ही आएगा, क्योंकि ये विदाउट मार्जिन का फर्मा है। रेड वाली सीजर भी देनी। चलो बैक की तो कटिंग कर लेते हैं, फिर नेक काट लेंगे। नेक हम कहाँ तक काटेंगे? हमारा जो नेक विड्थ वाला पॉइंट है, हम वहीं तक नेक कट करेंगे, क्योंकि एकदम पैक नेक रखना है। अगर आपको थोड़ा ब्रॉड रखना है तो हल्का सा ब्रॉड कर लेंगे, हाफ इंच ब्रॉड ही कर लेते हैं, बोट नेक ना हो जाए। पीछे से हम रख लेंगे 3 इंचेस का नेक, 3.5। 3.5 का हम नेक कर लेंगे फ्रेंच कर्व, और राउंड शेप बना लेंगे। ठीक है, तो ये पैक नेक का हो गया। हाफ इंच मैंने नेक विड्थ बढ़ाई, बैक का पार्ट कटिंग होने जा रहा है, फिर हम फ्रंट का करेंगे। फ्रंट भी पैक नेक है। फ्रंट में ऑलरेडी शोल्डर माइनस है बैक से, तो हमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। या बैक में हल्का सा शोल्डर में और ले लेती हूँ। बैक डार्ट के साथ रहेगा तो स्ट्रेट है हमारा बैक। अभी फ्रंट काटूंगी मैं। फ्रंट फोल्डिंग पे रखेंगे। इसको मैं कुछ इस तरह से रख देती हूँ ताकि डार्ट्स वगैरह आपको दिखे। तो ये फोल्ड साइड है, यहाँ मैं फ्रंट का पार्ट रख रही हूँ। साइड मार्जिन 2 इंच साइड में रहेगा, और बाकी सब जगह हाफ हाफ इंच रहेगा। अभी इसको मुझे प्रिंसेस कट भी बनाना है ना, देख लेते हैं प्रिंसेस कट है क्या। यस, प्रिंसेस कट बनाना है इसको। ये 4 डार्ट है तो हम प्रिंसेस कट बनाते हैं। प्रिंसेस कट के लिए हम मेन डार्ट को डार्ट पॉइंट तक कट करेंगे, साइड डार्ट क्लोज करेंगे। ठीक है, अभी प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे हम यहाँ पे। प्रिंसेस कट की मार्किंग के लिए इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम राउंड शेप में मिलाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये प्रिंसेस कट है, तो पहले मुझे ये ट्रेस करना है। साइड में हम बिना मार्जिन के ही हम पहले मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम मार्जिन पूरे में दे देंगे। तो यहाँ ऐसे होगा, ये लाइन हमें ट्रेस करनी है इस तरफ के लिए। ट्रेसर ट्रेसर से मैं ट्रेस कर रही हूँ। चलो ये इस तरफ का पार्ट निकल गया। अब मुझे यहाँ, आप लोग को मार्किंग नहीं दिख रही होगी लेकिन मुझे यहाँ मार्किंग दिख रही है, बस पॉइंट ट्रेस कर लेना है। यहाँ मुझे मार्किंग दिख रही है। प्रिंसेस कट का पार्ट 1 हो गया है। इसमें हम मार्जिन दे देंगे हाफ हाफ इंच का। नेक के भी मार्क नहीं करेंगे। प्रिंसेस कट का पार्ट 2 ट्रेस करना है, ये वाला साइड डार्ट क्लोज रहेगा। ये रेड मार्किंग से स्टार्ट होना है और ये पूरा ट्रेस कर लेना है। पहले मैं साइड का मार्क कर लेती हूँ। सबकी स्लीव्स बाद में काटूंगी, आज स्लीव का टॉपिक नहीं है। स्लीव की आप लोग अच्छे अच्छे डिज़ाइन सेंड करना, तो एक दिन सारे टाइप की स्लीव्स का कर देंगे लाइव स्ट्रीम।
आप ट्रेस करेंगे यहाँ से, देखो ये वाली लाइन को ट्रेस करना, ये वाला ऐसे ट्रेस कर देंगे। बस्ट पॉइंट मार्क कर लेंगे। मार्जिन रखना आप भूल गए तो सब कल्याण हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते फिर आप। 2 इंच साइड मार्जिन, 1/2 इंच नीचे का मार्जिन, फर्स्ट ब्लाउज की कटिंग डन। अभी नेक्स्ट करेंगे, अभी मार्किंग हो गई, अब कट भी हो जाएगा। ये यहाँ भी हम कट्स बना देंगे, नेक के लिए हम बाद में देखते हैं क्या करना है, पहले हम इसको काट देते हैं। साइड स्टिचिंग हमारी मैच होनी चाहिए ना, क्योंकि हमने साइड डार्ट भी क्लोज कर दिया, तो साइड स्टिचिंग सेम आनी चाहिए। देखो सेम आ रही है, साइड की स्टिचिंग सेम आनी चाहिए, सेम आ रही है। एक बार यहाँ नेक नहीं काटेंगे हम, यहाँ से बस्ट पॉइंट बनाएंगे। प्रिंसेस कट में ये बस्ट पॉइंट बना लेना है ताकि ज्वाइन करते वक्त हम मैच करें। अब नेक का देखते हैं, नेक के लिए हम बैक के पार्ट को रखेंगे यहाँ, नेक विड्थ बनाएंगे। परफेक्ट आ रहा है ये, तो ये कट कर लेती हूँ मैं। 3.5 जितना नेक हो गई है, ये बिल्कुल परफेक्ट पैक नेक बनेगा, गले को टच। जितना है तो फर्स्ट ब्लाउज की कटिंग रेडी है, आ गया ना पूरा। चलो अभी नेक्स्ट, इसको एक पिन लगा के साइड में रख दूंगी, फिर भी इन फैब्रिक हम लास्ट में काटेंगे। अभी हाई नेक, हाई नेक भी प्रिंसेस कट के साथ करना है। हाई नेक में हुक आगे होगा, तो हम जो है यहाँ पे बैक पार्ट काट लेते हैं, फोल्डिंग साइड पे, ये फोल्ड साइड है। मार्जिन रख के काट दूंगी, चलो इसका बैक हो गया। बैक में हाई नेक में कुछ भी चेंज नहीं करना, अब फ्रंट करेंगे। फ्रंट प्रिंसेस कट के साथ है, तो हमारा प्रिंसेस कट का मार्किंग इस पे रेडी है। फ्रंट हुक वाला होगा, सारा लेवल चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे यहाँ पे, मैं कुछ इस तरह से मार्क करूँगी 1/2 इंच मार्जिन। यहाँ से 1/2 इंच लेते हुए ऊपर 4.5 इंच आऊँगी, 4.5। कॉलर की विथ मार्जिन में ले लेती हूँ 2.25, 2.25 इंच का होगा तो 1.5 का हमारा कॉलर बच जाएगा। तो यहाँ मैं इस तरह से 2.25 के कॉलर की विड्थ ले रही हूँ, बाकी पूरा ऐसे मार्क कर देते प्रिंसेस कट के अकॉर्डिंग। बस्ट पॉइंट मार्क कर लेते हैं, चलो अब वीडियो बनाओ। देखो यहाँ से हमें नेक रखना है, जितना भी हमें डीप चाहिए, तो 8 साढ़े 8 जितना हाई नेक में अच्छा लगेगा। यहाँ से मैं इस तरह नेक बनाऊंगी,
डन और प्रिंसेस कट। अब बनाऊं बैक पार्ट का एक का भी वीडियो मत बनाना। अभी इसको हम ऐसे ले लेंगे। परफेक्ट। तो ये हाई नेक हो गया। यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा। कैसा लग रहा है ये हाई नेक वाला कटिंग? देखो फ्रंट की लेंथ इतनी ज़्यादा हो रही है, जबकि हम स्टिचिंग करेंगे तो ऐसे। अभी मैंने इसमें ये वाला डार्ट क्लोज नहीं किया था, मुझे ये डार्ट स्टिच करना पड़ेगा। ये वाला डार्ट हमें क्लोज करके रखना था अगर हमें ये डार्ट नहीं चाहिए था तो, बट अभी हम स्टिच कर देंगे तो भी चलेगा। ये एक बार रख के देखते हैं। अभी सेट नहीं होगा तो अभी हम स्टिच कर लेंगे, तो ये डार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। 1 इंच के गैप में हमारा ये डार्ट होगा। चलो अभी नेक्स्ट। अभी आ गया डीप नेक, आप सबका फेवरेट। फ्रंट का डार्ट 1/2 इंच, आप क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा प्रीति दी। चलो अभी डीप नेक करेंगे। डीप नेक के लिए हम ले लेंगे 8 इंचेस डीप। अभी थोड़ा जूम कर दो। यहाँ से हम 1/2 इंच शोल्डर माइनस करेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे शोल्डर, रेडी शोल्डर 2 इंच ले लेते हैं। 5 शेप का नेक है इसमें फ्रंट, अच्छा सा पान बनाना है। यहाँ से हम हल्का सा अंदर जाके स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये पार्ट हमारा पूरा हट जाएगा। परफेक्ट पान आ गया। बस डीप नेक में इतना ही करना है। यहाँ से हम नेक डार्ट क्रिएट करेंगे एक, ताकि हमारा शोल्डर फॉल ना हो, 1/2 इंच का। अभी इसको हम काट नहीं सकते क्योंकि हमें दूसरे फर्मे में भी यूज़ करना है ये। अभी इसमें हमें हुक कहाँ करना है, हुक फ्रंट में ही करते हैं, ठीक है? आसान रहेगा पहनने में भी,
फ्रंट हुक करेंगे हम 1 2 3 4 सारे लेयर इक्वल, फ्रंट हुक ब्लाउज हाफ इंच का हमें यहाँ मार्जिन चाहिए वो हटा के हम रखेंगे इसको, प्रिंसेस कट होगा और फ्रंट हुक होगा। इस बार हम ये मेन डार्ट क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे प्लस हम नेक डार्ट को क्लोज करेंगे ताकि हमारा शोल्डर ना गिरे, क्योंकि देखो इससे क्या होगा हमारा, अभी देखो मैं इसको सीधे पे रख रही हूँ तो आपको आइडिया आएगा कि अभी मेरा शोल्डर कितना है, इसमें 6.5 जितना शोल्डर है। ओके बट जैसे ही मैं नेक डार्ट को क्लोज करूँगी तो मेरा शोल्डर आ जाएगा 5.5 पे ऑटोमेटिक, यानी 5 इंच का शोल्डर कटेगा अभी इसमें, देखो हाफ इंच कट भी जाएगा तो 5 इंच का शोल्डर कटने वाला है यहाँ पे। उसके बाद हम वापस में थोड़ा पान शेप को रीशेप कर दूंगी, ठीक है। अब हम पहले ये वाला पार्ट का मार्किंग करेंगे, प्रिंसेस कट है तो यहाँ से प्रिंसेस कट विथ बेल्ट है वो भी, तो हमें सिर्फ इतने पार्ट की ड्राफ्ट मार्किंग करनी है। देखो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे, यहाँ से मार्किंग करेंगे, सिर्फ हमें इतनी ही मार्किंग करनी है, तो हम पूरे में ट्रेसर का ही यूज़ करेंगे। अब पूरे में हमारा ट्रेसर यूज होगा, यहाँ से मैं ट्रेस कर रही हूँ, पान नेक में भी मार्किंग हो गई है। अब आप लोग को नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे तो सब दिख रहा है, इसमें बस्ट पॉइंट हम बाद में मार्क कर लेते हैं। पूरा बनेगा तब फैल जाएगा, बस पॉइंट मार्क कर लेते हैं। अब प्रिंसेस कट की मार्किंग भी करनी है, इसको डार्क करते हैं, मतलब इसमें मार्जिन ऐड कर देते हैं। गले में हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन ऐड करेंगे, हुक वाले में भी थोड़ा थोड़ा, ये पूरा गलत है। अब प्रिंसेस कट में साइड डार्ट क्लोज रहेगा, पूरे में मार्जिन, ये वाली मार्किंग कैसी लगी आपको? नीचे का मार्जिन बाकी, अगर पॉइंटेड आ रहा है तो स्मूथ शेप भी कर सकते हैं।
ऐसा दिखेगा, देखो ये कब से रख के बताती हूँ। देखो अभी ऐसा शेप लग रहा है और हमारा शोल्डर भी 5.5 का लग रहा है, बट अभी मैं दिखाती हूँ कितने इंच का शोल्डर हो जाएगा। अभी देखो ये 5.5 का लग रहा है, बट अभी ये यहाँ से भी सीधा हो जाएगा। यहाँ पे स्केल रखना, स्केल कहाँ का, अभी देखो शोल्डर कितना हो गया, पूरा जितना हमें चाहिए उतना हो जाएगा, 6.5 प्लस 1/2 इंच सिलाई का 7। अगर हम नेक डार्ट नहीं लेते तो क्या होता, ये लूज लूज, मान लो जैसे कि ये 10-9 पर जा रहा है शोल्डर, तो ये ऐसे लूज होता। अभी ये इतना लूज हो रहा है जो हम मैनेज करेंगे स्टिचिंग में, और ये प्रिंसेस कट ऐसे होगा। अपर चेस्ट हमारी बिल्कुल अपर चेस्ट के बराबर होगी, चेस्ट हमारी चेस्ट के बराबर होगी। देखो अपर चेस्ट वाली लाइन में मान लो 12 आ रहा है सब कुछ मार्जिन मिला के, तो यहाँ पे 13.5 जितना आ रहा है। फिर कमर हमारी कमर के जितनी हो जाएगी। यहाँ का नहीं दिख रहा था क्या, देखो मैंने यहाँ स्ट्रेट रखा शोल्डर, देखो परफेक्ट हमारा आ रहा है 7 जितना हमें चाहिए। ये हल्का सा जो लूज हो रहा है ना वो हम कवर करेंगे स्टिचिंग में, यानी कि आपका शोल्डर जो है नेक डार्ट नहीं लेते तो ये इस तरह से लूज हो जाता है। यहाँ से, यहाँ से लूज होने की वजह से वो गिरता है शोल्डर, बट अभी गिरेगा नहीं क्योंकि हम स्टिचिंग में भी इसको हल्का सा कंट्रोल करेंगे। क्लियर? तो पहले वो स्ट्रेट था और अभी ये ऐसा हो गया, पहले ये ऐसा था जिसका शोल्डर था कटिंग होने के बाद, जिसका रेडी शोल्डर मार्जिन के साथ, मार्जिन यहाँ। साढ़े पांच जितना था शोल्डर मार्जिन के साथ, बट जैसे ही कप्स लगेंगे तो हमारे ये सीधा भी हो जाएगा और गला भी वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, यानी कि हमें कितना चाहिए नेक उतना आ जाएगा। हमें चाहिए 6.5, यहाँ पे ये मार्जिन है इतना, तो 6.5 प्लस 1/2 इंच मार्जिन आ गया 7। परफेक्ट, देखो मैंने पहले ये मार्जिन इंक्लूड नहीं किया था तो लूजिंग लग रहा था, अब बिल्कुल भी आपको लूजिंग नहीं लग रहा होगा। 6.5 प्लस 1/2 इंच मार्जिन, ये 1/2 इंच मार्जिन को ऐसे रखा, फ्रंट विड्थ वाला मेजरमेंट भी परफेक्ट, हमारा 12 इंच जो हमें चाहिए वो 12 आ जाएंगे। तो ये शोल्डर अब बिल्कुल भी गिरेगा नहीं क्योंकि आप खुद देखो ना पूरा 6.5 परफेक्ट आ रहा है, हल्का सा भी यहाँ से थोड़ा लूज हो रहा है वो हम स्टिचिंग में मैनेज करेंगे, पूरा फैलेगा ही नहीं ये देखो। तो ये डीप नेक कटिंग भी क्लियर, अभी इसका बैक काट लेते हैं, बैक में वी नेक करना है, बैक का काट रहे हैं, बैक में वी पार्ट करते हैं, वी नेक जो कि ज़्यादा डीप नहीं करना, 9 इंच जितना ही चाहिए। बैक पार्ट लेंगे बेसिक वाला,
इसके अंदर हम शोल्डर माइनस वाला, वैसे नेक डार्ट वाला नहीं करेंगे, नेक डार्ट वाला भी हम कर सकते हैं, वैसे तो नेक डार्ट वाला ही करते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। पहले तो हमें डार्ट बनाना है, जैसे कि मेरी वेस्ट है, ये मेरे इस साइज़ की वेस्ट है 32 इंचेस, तो कितनी वेस्ट बच रही है, 1 इंच करीब हमारी वेस्ट बच रही है। तो इसका हम सेंटर लेंगे पूरे का और 1 इंच का डार्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, टोटल 1 इंच डार्ट, हाफ हाफ इंच दोनों साइड। अभी हम हमारा नेक बनाएंगे, तो पीछे में हमें शोल्डर माइनस नहीं करना, यहाँ से हम हल्की सी अंदर मार्किंग करेंगे, ऐसे फ्रंट के शोल्डर जितना ही बैक का शोल्डर रखेंगे, 2 इंचेस नेक डीपनेस, नेक डीपनेस हमें कम रखनी है, 9.5 ले लेते हैं। वी नेक रखना है, ये वी नेक हुआ। यहां से हम नेक डार्ट बनाएंगे 0.25, वी नेक में 0.25 ही लेना है। जब आपका नेक स्क्वायर या राउंड जाता है तो आपका ज़्यादा खुलता है, ये वी से पूरा कंट्रोल हुआ हुआ है, वी में ज़्यादा नहीं खुलेगा, तो मैंने 0.25 ले लिया, हाफ के करीब ही, हाफ से हल्का सा कम, हाफ ले लो तो भी चल जाएगा, वैसे भी गला स्टिच करते वक्त बढ़ ही जाता है। अब मैं यहाँ से ये डार्ट पूरा काट दूँगी, इस नेक डार्ट को बंद करेंगे, पूरा एक्यूरेट बंद करना है अच्छे से ये पूरे पार्ट को। बैक फोल्ड पे रहेगा क्योंकि बैक में हुक नहीं है, परफेक्टली मैं फोल्ड पे रखूंगी, ऐसे नहीं इतना छोड़ दिया तब तो पूरा नेक वापस लूज ही हो जाना है। देखो शोल्डर माइनस कितना हुआ, पहले कितना था 6.5, सेवन था बैक का, फ्रंट का 6.5 था, तो ये जैसे ही क्लोज होगा तो शोल्डर बचेगा 6.5 करीब, 5.5 का शोल्डर बचिए। ठीक है, तो अभी हम इसको नेक को ट्रेस कर लेते हैं, मार्जिन बाद में लेंगे। अगर आपको ये जो क्लास है वो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को अभी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी अभी लाइव क्लास अटेंड कर सकें। अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी लाइव क्लास अटेंड कर सकें, मिस ना करें। डार्ट मार्किंग करेंगे, डार्ट अभी 1 की जगह 1.5 हो गया, क्योंकि उधर से भी खुल गया इधर। अभी स्टार्ट को हम हल्का सा बढ़ा देंगे, ताकि हमारा वेस्ट फिट रहे और बीच में से उठे ना, तो हल्का सा बढ़ाना एकदम बारीक बारीक। पूरा ट्रेस हो चुका है, शोल्डर मैंने ट्रेस किया था, अब पूरे मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन लेना बाकी है, ठीक है।
नेक में एकदम थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन लेंगे। फ्रंट के जितना शोल्डर होना चाहिए सेम, परफेक्ट। डीप नेक में हल्की सी लेंथ आप लोग बढ़ा सकते हो क्योंकि हमेशा कम हो जाती है इसमें डीप नेक बनाते हैं तो, क्योंकि ऊपर से भी कट होता है और नेक डार्ट में भी जाता है। अभी हमारी लेंथ जो है 14 बच रही है 38 साइज के अकॉर्डिंग, जबकि बेसिक बैक में था 15। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से मेज़र किया था। अब हमारा ब्लाउज यहाँ से हम पहनेंगे, शोल्डर स्लोप होता है। चलो ये वाली ब्लाउज की भी कटिंग रेडी है। बैक का शोल्डर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले कितना था आप कितना है ये सब। अभी हमारा नेक 5.5 प्लस हाफ इंच मार्जिन है, जबकि हमें कितना चाहिए 7 पे चाहिए हमें नेक। तो हम देख लेते हैं, इस यहाँ से डार्ट स्टिच होगा, नेक हमें चाहिए 7, शोल्डर सॉरी। तो 7 इंच जितना ही आ रहा है, अगर हम नेक डार्ट नहीं लेते तो पक्का गला गिरता है। मैं इसको बेसिक बैक रख के देखती हूँ खोल के, देखो परफेक्ट आ रहा है एकदम, और नेक भी फिट हो जाएगा, बॉडी में एकदम नेक फिट होगा। अभी देखो ये ऐसा लग रहा है परफेक्ट, जबकि हमने कटिंग किया तो ऐसे हो रहा था। तो नेक फिट हो गया अभी, मतलब हमारा नेक बॉडी के अंदर फिट रहेगा, उठा उठा सा नहीं रहेगा। देखो इतना डिफरेंस है, यहाँ से भी हमारा फैल गया पूरा, ऐसे हो गया क्रॉस, यानी अम्ब्रेला जैसा कर दिया हमने। यहाँ से नेक को हमने ऐसे कर दिया, तो अब भले चाहे आप डार्ट डालो, ये डार्ट डालो या दूसरे डार्ट डालो, ये फैलते जाएगा, बट नेक में से फिट रहेगा। बैक में तो बैक डार्ट ही आएगा, तो ये भी क्लियर। अभी हमारा नेक्स्ट, कितने ब्लाउज काट लिए हमने, 4 या 3? 4 3 काटे। चलो अभी फोर्थ इसको संभाल के रख लें। ये भी डीप ही है, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं, फ्रंट का सेम रहेगा। फ्रंट को उसी को रख के काट लेते हैं, पर नेक का शेप चेंज है। और फ्रंट में ही हुक है, देखो ये रहा, ये फोल्ड साइड है हमारे कपड़े का, ये खुला साइड है, तो वही रख के कट करते हैं, सिर्फ नेक का शेप चेंज करना है। इसका बैक कैसा है, थोड़ा पैक नेक जैसा है। यहाँ से देखो हमने थोड़ा सा ब्लेंड किया है दोनों तरफ, यानी थोड़ा कर्व शेप किया है। ये पॉइंट नहीं बनाओगे तो
ब्लाउज खराब हो सकता है आगे का प्रिंसेस शेप। अब हमें सिर्फ नेक चेंज करना है ना। नेक थोड़ा ऐसे टाइप का है। ऐसा रखना है। पहले तो 8 इंच का मार्क करते हैं। फिर क्या सीन है? ऐसा होगा नेक। से पूरे पे कैनवास लगेगा। इसमें कर्व्स हमें ज्यादा देने होंगे। चलो अभी बैक, बेसिक बैक रखना है। इसमें पैक नेक ही रहेगा। ये डार्ट तो सभी में रहेगा। बैक का शोल्डर में हल्का सा और बड़ा। अभी बैक नेक का मार्क करना है तो फ्रंट पार्ट को मैं यहाँ रखूंगी। फ्रंट का शोल्डर बैक से मिलाऊंगी। बैक पार्ट को मैं इस तरह मार्क करूंगी 3 इंच जितना। ओके 3.5 है। फिर यहाँ से 1 इंच का मार्क, 1/2 इंच जितना मार्क लेंगे। उसके बाद नेक डीपनेस हम रख लेते हैं, ज़्यादा उनको डीप नहीं चाहिए तो 11 रख लेते हैं ताकि नीचे इतना आ जाए। यहाँ से मुझे हल्का सा ऐसे मार्क करना है। ब्रॉडनेस में ले रही हूँ 3.5। अभी शेप तो कट हो गया। कट करूंगी। इधर का जो कटिंग काटा था अभी इसके नीचे बैक का नेक ऐसा रखना है हमें। मतलब बाद में मैं लेस लगाऊंगी यहाँ पे। थोड़ा इसको नेक को छोटा करते हैं ताकि वो डिज़ाइन वहाँ आ जाए। 2.5 जितना कर देते हैं। यहाँ लेस लग जाएगी बाद में। इसमें मार्जिन के साथ है, एक बार चेक कर लेते हैं। बैक और फ्रंट की साइड स्टिच चेक सही है। इसको हम नेक काट देंगे, मेन फैब्रिक में नहीं काटेंगे और उस हिसाब से स्टिच करेंगे ताकि बढ़े ना। इसका भी शेप एकदम पॉइंटेड करना पड़ेगा। कम कम करेंगे तो वो स्ट्रेट ही हो जाना है। इसमें फ्रंट हुक के हिसाब से किया हमने।
देखो अब इसमें डार्ट लगाएंगे तो हमारा फर्क नहीं पड़ेगा, शोल्डर नहीं गिरेगा क्योंकि यहाँ से पैक है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अब इसका शेप मैं दिखाती हूँ कैसा है। पहले वाइट वाले को रख देते हैं। और नेक लूज भी नहीं होगा क्योंकि मैं जो यहाँ पे पूरा श्रिंक करके स्टिच करूँगी, स्टिच करते वक्त मैनेज करना है, फ्रंट का भी शेप अच्छा लगेगा। फ्रंट का शेप देख लेते हैं नेक का। इधर थोड़ा सल था। अभी देखो ये ऐसा लग रहा है नेक, लेकिन मैं कप्स लगा के आपको दिखाती हूँ। हुक एक स्टिचिंग में आएगा थोड़ा थोड़ा। अब मैं शोल्डर बताती हूँ कि कितना दिख रहा है। पहले एकदम छोटा सा दिख रहा था, देखो पूरा परफेक्ट हमारे 13 पे आ जाएगा। हमें कुछ भी पट्टी थोड़ी खींच के भी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी ये 13 रेडी होगा, और जब हमने कटिंग किया तो कितने इंच का है? आठ, 8.5 जितना। चलो अभी नेक्स्ट ब्लाउज, ये भी हो गया। अब दो वी नेक वाले हैं और दो नेक टू वेस्ट है। अभी हमें 4 डार्ट फॉर्मा चेंज करना चाहिए, उसमें ज्यादा कीचड़ पिचड़ हो गया। घर में तो चेंज करते हैं, ये अभी तक यूज़ किया, अभी मैं दूसरा यूज़ करूँ। इसमें वी नेक ड्रॉ करते हैं। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर जाएंगे, इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे। लो दो वी नेक करना है, बट थोड़ा पान शेप का वी नेक वाला दूसरा, ये थोड़ा पान होगा तो इसका शोल्डर भी हम ज़्यादा रखेंगे। यानी मैं शोल्डर फुल रख लेती हूँ, साइड साइड से हम सिर्फ मैं सिर्फ 1/2 इंच शोल्डर माइनस करूँगी,
उसके बाद हल्की सी अंदर लाइन खींचेंगे। और शोल्डर में ले लेती हूँ रेडी 3.5। इसमें ब्रॉड शोल्डर अच्छा लगेगा इस पैटर्न में। अब मैं ड्रॉ करूँगी नेक का शेप। थोड़ा पान शेप का चाहिए मुझे, तो यहाँ से मुझे कितना डीप नेक चाहिए वो मैं डिसाइड करूँगी पहले। 8.5 का अच्छा लगेगा। यहाँ से मैं 1/2 इंच जाऊँगी, 1/2 इंच तक, यहाँ तक। यहाँ ऐसे जाऊंगी, अब पान बनाऊंगी। ये नहीं, यहाँ पे जो ये पॉइंट बच रहा है ये हमारा जॉइंट आ जाएगा बीच में, भले नेट लगाओ या फिर फैब्रिक लगाओ। ठीक है, और इतना हमारा हुक, हम फ्रंट हुक कर रहे हैं तो हम नेट और ये जॉइन नहीं कर सकते। फ्रंट हुक में ये सब जॉइन नहीं कर सकते, तो हम पूरा डीप ही ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। 9 रख लेते हैं, 9 जितना रखेंगे। बैक हुक हो तो हम जॉइंट लगा सकते हैं। अभी हम इसमें 9 इंच का रख देते हैं वी नेक का। ये हमारा पूरा कट हो जाएगा। चलो अब इसको कट करेंगे। देखो अब इसको फैब्रिक पे काटेंगे। ये हमारा बेल्ट है और ये ऊपर वाला पार्ट है। पहले आगे सीधी लाइन खींचती हूँ, फिर 1/2 इंच मार्जिन है हमारा। इसमें हमें कुछ भी शोल्डर माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हमें फ्रंट का ये जो डार्ट है वो नहीं चाहिए। हम सिर्फ प्रिंसेस लाइन बनाएंगे इसको, प्रिंसेस कट विथ बेल्ट। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। पहले पूरा मेन डार्ट कट कर दे तो भी चलता है, पूरा मेन डार्ट ही काट देते। ये वाला डार्ट क्लोज करेंगे और रहेगा प्रिंसेस कट। इतना पार्ट हमें ट्रेस करना है यहाँ से। हो गया इसका मार्किंग। मार्जिन रख रही हूँ मैं, गले में हम हल्का हल्का मार्जिन ले लेंगे। अब प्रिंसेस कट पार्ट को ट्रेस करते हैं। साइड डॉट क्लोज करना है। साइड डॉट आप स्टिच भी कर सकते हो, किसी को साइड डॉट सही लगता है, कंफर्टेबल। बाकी सब ट्रेसिंग सही है। मार्किंग डन। देखो हमने ये पार्ट ट्रेस किया यहाँ से। ये डार्ट हमें नहीं चाहिए था, 1/2 इंच हमने माइनस किया नेक फिटिंग के लिए। यहाँ से भी 1/2 इंच माइनस किया नेक फिटिंग के लिए। परफेक्ट आ गया।
पीछे से इसका पैक नहीं किया, तो सिंपल ही है। यहाँ पे भी मैं डार्ट लगा दूंगी कि यहाँ पे मेरा नेक एंड हो रहा है ऐसा पता चले। अभी योक काटना बाकी है। इसमें योक लेंथ में आप हाफ इंच बढ़ा सकते हो, अगर आपको डाउट लग रहा है कि मेरी लेंथ कम हो जाए तो। ये प्रिंसेस कट कट के अब वीडियो बनाऊं, ये देखो। ये राउंड लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा कप्स आएगा। अब बैक का इसका और बेल्ट। बेल्ट हमारा भी ओपन साइड से ही कटेगा। बेल्ट के लिए हम ये पार्ट ट्रेस करेंगे, ये पूरा हमारा बेल्ट है देखो। ये पूरा बेल्ट है। फिर इसको यहाँ टच करेंगे, नीचे मार्जिन चाहिए। यहाँ से भी हाफ इंच मार्जिन लिया हुकाई के लिए। पहले हमें बैक काट देना चाहिए था, फिर बेल्ट कट जाता, फिर स्लीव आराम से आ जाती। बैक नॉर्मल रहेगा। फ्रंट का शोल्डर रखेंगे,
3 इंच नेक, यहाँ से एकदम छोटा सा 5 इंच का ड्रॉप बनाना है। चलो एक और का काम तमाम हुआ, फोटो। रुको रुको, हम बेल्ट कहाँ गया? अब ये नेक कितना सा लग रहा है, बट कप्स लगाने के बाद ये स्प्रेड हो जाएगा और नेक में से फिट हो जाएगा। ऐसे भी खींच लो। अभी कौन सा बाकी है? अभी 3 ब्लाउज और बाकी है, इसको बैक कर गया। डेढ़ घंटे में कितने 6 ब्लाउज कट गए हैं। अभी तो मेन फैब्रिक काटना है, लेकिन मेन फैब्रिक तो फटाक से कट जाएगा क्योंकि उसमें तो दिमाग नहीं लगाना है, इसी को रख के काट देना है। स्लीव्स मेन है, स्लीव तो किसी में पफ और सिंपल कर देंगे। अभी नेक्स्ट ये भी वी नेक है, लेकिन ये पूरा हम नीचे तक वी रखेंगे और बैक में हुक रख लेंगे, इसमें अच्छा लगेगा। ये फ्रंट हुक रखो। फ्रंट में ही हुक रख लेते हैं, चलो बैक में हुक रखते हैं। तो फिर मैं फोल्डिंग साइड पे काटूंगी। ये फोल्ड साइड है, ये भी योक वाला ही रखना है हमें, स्ट्रेट योक रखना है तो स्ट्रेट रखो, नहीं तो कैसा। नेक वगैरह सब सेम रहेगा, वी नेक को हम पूरा यहाँ तक कट करेंगे, तो मार्किंग कर लेते हैं स्ट्रेट। पूरा यहाँ तक कट होगा, योक तक। तो योक थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तक योक 1.5 की जगह 2 पे कर लेते हैं, यानी ये जो डार्ट है हमारा सेंटर फ्रंट डार्ट, उससे 1/2 इंच नीचे। तब पूरा ही योक से हमारा नेक पूरा वहाँ तक जाएगा सीधा। तो इसको मैं ऐसे रख दूँगी सीधे पे, ये वाली जो सीधी लाइन है वो मैं सीधे पे रख रही हूँ 1/2 इंच मार्जिन के साथ। अब ट्रेस कर लेंगे। फ्रंट में मार्जिन तो नहीं चाहिए हमें, बट ये तो ओपन पे ही कटता है तो भी चलता। देखो मैं ये ट्रेस कर रही हूँ, ये तो ओपन पे ही चाहिए हमको, थोड़ा मार्जिन के लिए ऐसे रखते हैं। यहाँ 1/2 इंच मार्जिन चाहिए नेक में, तो ये पूरा ऐसे रहेगा और ये पूरा स्ट्रेट रहेगा। यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन और यहाँ से भी 1/2 इंच मार्जिन ले लिया नेक में से, ये हमारी मेन मार्किंग है। प्रिंसेस कट, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट मुझे किस में करना था? अच्छा अभी ब्लू वाला पड़ा है, 3 ब्लाउज और पड़े हैं।
हाफ इंच मार्जिन। सेंटर से काट देंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा। करेक्ट। प्रिंसेस कट। इसका भी बैक काट लेते हैं। ये देखो ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे प्रिंसेस कट का मार्किंग। चलो बैक। इसके बैक में ऐसा ट्रायंगल करना। थैली इधर रखो। फ्रंट वाला शोल्डर रखेंगे। बैक नेक 3 इंच पे ट्रायंगल शेप देना है। हाफ इंच छोड़ के ट्रायंगल शेप देंगे। हो गया। चलो बेल्ट काट लेते हैं। बेल्ट फोल्ड पे काटना है हमें। नहीं दिख रहा ना आपका तो कुछ ध्यान ही नहीं है उधर। ये भी हमारा कप का शेप आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा और नेक एकदम फिट हो जाएगा। फिर बीच में हम ट्रायंगल डाल देंगे अकॉर्डिंग टू शोल्डर्स। कटिंग आ रहा है शोल्डर। चलो अभी 3 और बाकी है। हो गया। एक मेरे साथ खींच दो।
फ्रंट से, उधर से फोटो खींचो। उससे खींचो। खींच लो, उसी में खींच लो। उसमें फोटो आ ही नहीं रही है। ये पहले वाली अब कब वाली है? मेरे साथ खींचो फ्रेंड से। अब है शोल्डर टू वेस्ट स्टार्ट और नेक टू वेस्ट स्टार्ट। इसमें वी नेक करना है सिंपल। ये वाला फॉर्मा यूज करते हैं। फ्रंट ओपन पे रहेगा और बैक फोल्डिंग। शोल्डर टू वेस्ट स्टार्ट एंड वी नेक अभी हम करने जा रहे हैं। और बैक पैक नेक। फोल्ड साइड पे करना है। यहाँ से ले लेते हैं, सॉरी ओपन साइड पे करना है क्योंकि हुक लगाना है। शोल्डर टू वेस्ट राइट की पहले मार्किंग करनी होगी। हम शोल्डर का सेंटर लेंगे, फुल शोल्डर रहेगा इसमें। शोल्डर का सेंटर, सेंटर से स्ट्रेट हम लाइन खींचेंगे डैश डैश की रफ लाइन। फिर हम इस लाइन को कर्व में कन्वर्ट करेंगे। फिर इस कर्व का हम सेंटर लेंगे, कर्व के सेंटर से 0.25 इंच मार्क करेंगे और ये इतना पार्ट हमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में से हटा देना है ताकि हमारी इस पोर्शन से फिटिंग अच्छी आए। ठीक है, तो ये वी नेक की मार्किंग अभी हम कर लेते हैं। ये अंदर वाली मार्किंग कुछ भी नहीं चाहिए इसमें हमें, इसमें हमें फुल मार्किंग चाहिए 8 इंच वाली। 8 इंच का नेक बना लेते हैं, फुल शोल्डर चाहिए। दूसरा फर्मा लेते हैं। सेंटर ऑफ शोल्डर स्ट्रेट डैश डैश लाइंस। यहाँ से कर्व शेप लेना है। जूम करो, यहाँ पे जूम करो। ओके, नेटवर्क इशू है। आप में से किसी को वॉइस कम आ रही है तो अपने फोन की वॉल्यूम बटन पे आपको ध्यान देना होगा। फोन का वॉल्यूम बटन बढ़ाइए क्योंकि फिर मेरा गला बैठ जाएगा, मैं चिल्लाऊंगी तो। ठीक है, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट नेक की मार्किंग होगी। 8 इंचेस ले लेते हैं इसके यहाँ तक। पूरा वी नेक होगा, वी नेक को हल्का सा राउंड करना है। स्ट्रेट में हमारा ऐसा दिखेगा तो हम इसको हल्का सा राउंड करेंगे। थोड़ा डीप करते हैं, डीप अच्छा लगे।
शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का हो गया, ये पूरा हमारा कट होगा तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनेगा। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में हमें आमूल डार्ट नहीं चाहिए, साइड डार्ट नहीं चाहिए, सेंटर फ्रंट डार्ट नहीं चाहिए। तो हम पहले तो इसको कट कर देंगे, ये वाला फरमा यूज़ कर लेते हैं। अभी तो ये लास्ट ब्लाउज है मेरे पास, एक और पड़ा है, ये पूरा कट करेंगे। वीनेक भी कट कर लेते हैं। सेंटर फ्रंट डार्ट को क्लोज करेंगे प्रॉपर, इधर से ऐसे फोल्ड नहीं करना, परफेक्ट क्लोज करना है। क्लोज करके आप पिन लगा सकते हो या सेलो टेप से चिपका सकते हैं। कुछ भी शोल्डर माइनस करने की, ऊपर से कम करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम यहाँ ट्रेस कर लेंगे इसको, बैक तो पैक है तो फटाक से हो जाएगा। ये ब्लाउज सबसे बढ़िया है। मार्जिन ले लेंगे और कट कर लेंगे। कैसा लग रहा है आपको ये? कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में। आर यू ऑल इंजॉइंग द क्लास? क्या आप सब इंजॉय कर रहे हो इस मेथड को? देखो मैंने इधर नेक में, शोल्डर में हल्का सा, नेक में से अंदर कटिंग कर लिया है। डन, ये वाला पार्ट भी कर लेते हैं। अगर आपका यहाँ से पॉइंट निकल गया है तो थोड़ा मर्ज कर देना है। थोड़ा ब्लेंड करना है, मतलब थोड़ा स्मूथ कर देना है। बनाओ वीडियो। पूरा ज्वाइन करते वक्त मैच होगा। बैक बैक तो पैक है। हमें पहले बैक काटना चाहिए कभी भी, नहीं तो फिर अस्तर हमेशा कम पड़ता है। अब स्लीव्स के लिए कम पड़ेगा हमें हमारा अस्तर। कभी भी पहले बैक काटना है ताकि हम फ्रंट को, अब देखो ये यहाँ कट हुआ तो हम ये वाला पार्ट जो है साइड वाला ऐसे काट सकते थे, तो ये ऐसे आ जाता अंदर, स्लीव आराम से हो जाती।
बैक को फोल्ड पे ही काटना है। स्लीव का बचा ही नहीं। साइड स्टिच सबकी मैच होनी चाहिए, ये आपको देख लेना है। अब इसका जो है हम बैक नेक स्टिच करते वक्त काटेंगे, क्योंकि देखो ये ऐसा है। तो ये पूरा जॉइंट होएगा, उसके अकॉर्डिंग हम काट सकते हैं या फिर इस तरह से हम काट सकते हैं। चलो डन, अब लास्ट तो ही है। ऐसा दिख रहा है। ये देखो ये शेप कैसा आ रहा है हमारा इस टाइप का। जो पानी की बोतल दो ना, नीचे से पकड़ना। ये वाला है नेक टू वेस्ट डार्ट विथ पंच कोन, और नीचे से भी शेप। वो शेप तो हम स्टिचिंग करते वक्त काटेंगे। इसमें भी हम फ्रंट हुक रखते हैं, ये सबसे अच्छा और आसान ब्लाउज है। इसमें हमें कुछ भी शोल्डर हाफ इंच भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम नेक डीपनेस लेंगे, साढ़े आठ। यहाँ से हम लेंगे, जूम कर दो, यहाँ से हम लेंगे शोल्डर 2 इंचेस। अगर आपका आर्म होल ज़्यादा अंदर से है तो आप हाफ इंच माइनस कर सकते हो, ताकि कॉर्नर पॉइंटेड शेप ना आए। यहाँ से मैं स्ट्रेट डाउन जाऊँगी। स्ट्रेट डाउन जाने के बाद में हमें नेक का शेप बनाना है। मान लो यहाँ से आप 1.5 इंच जितना ऊपर जा सकते हैं। अभी यहाँ से आपको थोड़ा ब्रॉड चाहिए तो आपको ऐसे मार्किंग करनी होगी। पंचकोण मार्किंग डन। अभी इस मार्किंग को हम यहाँ मिलाएंगे, सेम शोल्डर टू वेस्ट आर्ट की तरह है, नेक टू वेस्ट आर्ट। इसको हम हल्का सा ऐसे कट करेंगे, स्ट्रेट मतलब 1 इंच शोल्डर डाउन है। वन इंच शोल्डर डाउन है हमारा, तो यहाँ से ऐसे करना। तो ये हमारा नेक टू वेस्ट आर्ट का मार्किंग। अब हमें हाफ इंच जो है नेक का लूजिंग ना हो, शोल्डर डाउन ना हो, इसलिए हमें हाफ इंच यहाँ से माप करना है। और कुछ इस तरह से हम माप करेंगे, थोड़ा कर्व शेप दे देंगे। ये पूरा आपको कट करना है, शोल्डर टू वेस्ट आर्ट में पूरा ऊपर से काटा,
नेक टू वेस्ट गार्ड में ये पूरा कट करना है। आपको अगर रेगुलर डीप नेक की फिटिंग अच्छी नहीं आती है ना, नेक टू वेस्ट गार्ड बनानी बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, क्योंकि शोल्डर इसमें फुल है 6.5। ठीक है, ये डार्ट हमें नहीं चाहिए, ये डार्ट भी हमें नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। सब क्लोज होंगे, ये डार्ट क्लोज नहीं होगा क्योंकि नहीं, ये क्लोज होगा। ये क्लोज कब होता है? जब फ्रंट हुक हो तभी हम क्लोज कर सकते हैं। बैक हुक को तो क्लोज नहीं करना, बैक हुक रहेगा तो शेप चेंज हो जाएगा, फ्रंट में स्ट्रेट चाहिए रहेगा हमें, अगर फ्रंट पैक चाहिए तो। अभी मैं फ्रंट फोल्ड ओपन पे ही काटूंगी, तो ये पूरा कट करते हैं हम। ठीक है, ये काट दिया, अभी हम ये क्लोज कर देंगे। वैसे तो अभी लास्ट ये दो ही ब्लाउज बनाने, तो इसको भी काट दो तो चलेगा। तीनों डार्ट क्लोज हो गए, अभी अपना फ्रंट हुक वाला, इसलिए मैंने सेंटर फ्रंट डार्ट भी क्लोज किया। ये हमारा पार्ट वन है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा ब्लाउज का, और ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। तो चलो ट्रेस कर लेते हैं, आप काट के भी रख सकते हो। वैसे तो हमें लास्ट जो है दो ही ब्लाउज करना है, मैं काट भी सकती हूँ, बट मैं इसी में बता देती हूँ। चलो ये हमें पूरा उड़ा देना है, मतलब कहने का मतलब है। तो अभी हम ट्रेस कर लेते हैं, यहाँ से हम ट्रेस करेंगे, ये वाला पार्ट ट्रेस करेंगे। ये हमारा वो पॉइंट है, डार्ट पॉइंट। मार्जिन मेन ब्लॉक की कटिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी हम ये वाला पार्ट ट्रेस करेंगे। पार्ट टू ये वाला, आपने रेड लहंगा ब्लाउज देखा होगा, उसमें यही ब्लाउज था, यही ब्लाउज की कटिंग थी। अभी हम ये पार्ट को भूल जा रहे हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट में ये ट्रेस किया, इस वाले पार्ट में ये, तो बीच का गायब हो जाएगा, जिससे हमारा नेक लूज नहीं होगा।
ये हो गया नेट टू वेस्ट डार्ट। कैसा लग रहा है ये कटिंग देखने में आपको? हो सकता है अभी आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा हो, अगर आपको परफेक्ट फिनिशिंग के साथ और बहुत सारे मतलब एक्स्ट्रा डिटेलिंग के साथ सीखना है तो आप हमारा ब्लाउज़ कोर्स लेवल 1 या फिर ब्लाउज़ मास्टर कोर्स लेवल 2 भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इस टाइप की कटिंग में पूरा डीपली से बताया हुआ एकदम परफेक्ट। यहाँ से मैंने स्ट्रेट की जगह हल्का सा कर्व कर दिया। बैक में पैक है ये भी, ये जिनका ब्लाउज है उनको बैक में पैक ही चाहिए ज़्यादातर, हम बैक भी काट देते, फ्रंट हो गया। इस बार भी मैंने फ्रंट पहले काट डाला, कभी भी बैक पहले काटना है ताकि कपड़ा बचे बैक पार्ट। इस बार भी फैब्रिक वेस्ट होगा, स्लीव का नहीं बचेगा। फ्रंट के शोल्डर के अकॉर्डिंग बैक काटेंगे। स्लीव्स कट तो जाएंगी बट साइड में जॉइंट आएगा। चलो अभी इसका लुक देखते हैं कि कैसा लग रहा है ये।
इसमें शोल्डर माइनस बहुत ही आसानी से हो जाता है। अभी आ रही है फोटो, क्या करते हो? कुछ लोचा नहीं है उसमें। बटन ही नहीं दब रहा है। मैनुअल फोन का सीन है, मोटर बहुत नहीं दब रहा है, देखना पड़ेगा। ऑटोमेटिक चालू है, ऑटोमेटिक बंद होगा। मूव करके रखो ना 2 मिनट। देखो स्टिच होगा तो ऐसा होगा। बट जब हमारा कप्स लगेगा तो वापस ये बस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। शोल्डर जितना चाहिए उतना आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बट यहाँ हमारा जैसे ही बस्ट आएगा, चेस्ट आएगा, तो ये जो है ऐसा हो जाएगा, यहाँ से ऊपर होगा तो ये फैलेगा, सेम अम्ब्रेला लहंगे की तरह ही है। अम्ब्रेला लहंगे हम राउंड में काटते हैं, बट जैसे हम सीधा पहनते हैं तो नीचे फैलता है, वैसे ही यहाँ से फैलेगा फोटो। अभी हम इसका देखो परफेक्ट मार्जिन हटा के भी देखेंगे तो शोल्डर बराबर आएगा। हाफ इंच मार्जिन यहाँ आएगा, हाफ हाफ यहाँ आएगा, हाफ हाफ यहाँ आएगा, 13 आ गया। अगर हम ये नहीं काटते तो क्या होता, 18 पे आता शोल्डर। अगर हम हाफ इंच नहीं काटते तो ऐसा होता। सत्रह पे तो आता ही, 18 पे दोनों ठीक है, क्योंकि अगर हम फ्लैट पे जितना चाहिए उतना शोल्डर काट रहे हैं, यानी 7 इंच का शोल्डर ही हम डीप नेक में काटेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से जैसे ही चेस्ट आएगा तो वो ऊपर होता है, जैसे ही ये पार्ट ऊपर होगा तो हमारा जो है ये नीचे होगा। जैसे कि मैं अभी पिन लगा के आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो लास्ट ब्लाउज ये एक ही ब्लाउज बचा है, वो भी सेम ही है, सिर्फ स्क्वायर करना है उसमें। इसका डीप नेक का लॉजिक समझते हैं। ठीक है, अगर आप फुल शोल्डर लोगे तो ऐसा नहीं होगा। अभी ये कम शोल्डर है, तो यहाँ जैसे ही बस्ट आएगा, यानी कि हमारा कप्स का शेप आएगा, वैसे ही जो है ऐसे फैलेगा। देखो यहाँ से जैसे ही ऊपर होगा ये नेक जो है फैलेगा ऐसे। नेक फैल गया जबकि हम नीचे रख रहे हैं, तो एकदम छोटा लग रहा है गला। जैसे ही हम स्टिच करेंगे तो ये फैल जाएगा नेक, सेम अम्ब्रेला लहंगा जैसा हो गया। इसलिए हम फ्लैट काटेंगे तो क्या होगा, अगर हम फ्लैट में नेक काटेंगे तो जैसे कि ये फरमा है हमारा,
इसके अंदर हम नेक काटेंगे फ्लैट, मतलब फुल शोल्डर में। तो जब हम डार्ट स्टिच करेंगे, डार्ट स्टिच करने का तो चलो मतलब ही नहीं है इसमें, वो मैं नहीं बताऊंगी। जैसे ही इधर हमारा बस्ट का शेप आएगा, यहाँ हमारा बस्ट का शेप होता है, ये पार्ट अंदर होता है, तो जैसे ही ये अंदर जाएगा तो ये नेक ऑब्वियस फैलेगा। जैसे ही ये पार्ट ऊपर आएगा ये नेक ऐसे फैलेगा अम्ब्रेला की तरह, ऐसे। जैसे ये अभी शोल्डर मान लो, सिक्स पॉइंट फाइव पे है, तो जैसे ही मैं डार्ट स्टिच करूँगी तो ये शोल्डर जाएगा 8.5-9 पे। तो ये छोटे मोटे लॉजिक है। चलो अभी लास्ट ब्लाउज है, सेम ही है उसका, बस स्क्वायर टाइप का नेक है और पीछे का इसमें मस्त करना है। इसका फैब्रिक ब्लाउज का कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने रेड वाले ब्लाउज का फैब्रिक नहीं बताया। इसका देखो फैब्रिक हमारा ना इस टाइप का है, तो मैंने वो डिज़ाइन चूज़ किया है, ऐसा है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रह जाएगा और बाकी यहाँ लाइनिंग लग जाएगा। तो अभी हमें वी नेक का काटना है। वी नेक में भी हम नेक डार्ट नहीं देंगे क्योंकि वैसे भी नेट आ जाएगा। तो हमें ये पूरा जो है ऊपर मेन फैब्रिक पूरा फुल काटना है, बट लाइनिंग में हम वी काटेंगे, वो भी देख लेंगे कि कैसे करना है। इसका बैक नेक अच्छा है, बाकी सब में तो ऑलमोस्ट हमारा बैक ही था, तो इसी को रख के हम काटते हैं, सिर्फ स्क्वायर नेक कर देंगे। ये भी फ्रंट हुक ही रहेगा, इसमें स्क्वायर करना है बैक पार्ट को, इस बार साथ में रखते हैं। सिर्फ हमें यहाँ से ऐसे स्ट्रेट करना है। इसलिए ये ऐसे भी होगा। चलो वीडियो बनाओ और एक स्टोरी में डालने के लिए बना दो। स्टिच करते वक्त हमें एकदम ध्यान रखना है कि हमने कहाँ तक ये किया, तो मैं मार्क कर लेती हूँ कहाँ गया वो कटिंग। मैंने गोल काट दिया क्या? ये हमें पॉइंट बना लेना है नेक का। तो ये पूरा जो है मार्जिन के अंदर वाला यहाँ जॉइंट होगा, दोनों तरफ सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यहाँ से स्टिच हो रहा है वो खींच के और एक यहाँ से, राइट और लेफ्ट दोनों साइड का सेम होना चाहिए। ये सब क्लियर कि कैसे हमने ये सारे ब्लाउज काटे? आप सबको ये मेथड कैसे लगा? डाउट्स अगर सॉल्व करवाने हैं तो 10 मिनट और रुकिए। यूट्यूब के लाइव फीचर में वॉइस वाला ऑप्शन भी होना चाहिए, व्यूअर्स की वॉइस वाला।
इसमें तो हमें वैसे भी ऊपर वाला तो मेन फैब्रिक ही कट करना है, तो सिर्फ नीचे वाला वी काटेंगे, फ्रंट के जितना ही शोल्डर रहेगा इसमें वी लेना है हमें। वी हम डीप ले सकते हैं, 10 ले लेती हूँ, उनको ज़्यादा डीप नहीं चाहिए। स्ट्रेट वी लेंगे एकदम, तो बहुत अच्छा लुक आएगा। ये स्ट्रेट वी हो गया, इसको मैं यहाँ कट कर दूंगी, थोड़ा मार्जिन का प्रॉब्लम हो रहा है। अब इसका मेन फैब्रिक काटेंगे। पहले पर्पल वाले को सही रखते हैं। चलो अभी बैक का मैं कट करके बताती हूँ मेन फैब्रिक। ये इस तरह से इसका बैक नेक हो गया जी, और क्लोज लेना चाहिए था ताकि पैटर्न अच्छी लगे। अब चलेगा, इतना भी सही है, इतना इतना मार्जिन चला जाएगा। थोड़ा वी को ब्रॉड करते हैं, चलो सारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है।
चलो ये हमें ध्यान रखना है कौन सा नेक वाला पार्ट है और कौन सा नीचे का। नेक वाले पार्ट में हमें एक डार्ट बना ली। रुको आयरन करनी पड़ेगी। कैसे स्क्वायर नेक के लिए हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। इसमें बढ़ा देते हैं अभी। अब कैमरा सामने करना है। करो